हेलो दोस्तों, इंडियन एनिमे ब्रोज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले टॉप 10 बैडेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। पहले ही बता दूं कि इस लिस्ट को ज्यादा सीरियसली मत लेना, ये बस मेरा करंट ओपिनियन है जो चेंज होते रहता है। और हाँ, इस लिस्ट में कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं है। अगेन, सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, अगर कोई छूट गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, 10वें नंबर पे है ब्लीच एनिमे का ज़ाराकी केनपाची। जिसने भी ब्लीच एनिमे देखा है, आई थिंक उनका कैप्टन कुचिकी ब्याकुया के बाद ज़ाराकी केनपाची फेवरेट कैप्टन होगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड और उसकी हरकतें ऐसी है कि वो किसी का भी फर्स्ट टाइम में ही फेवरेट बन जाएगा। जैसे कि सबको याद होगा इचिगो वर्सेस केनपाची, वो तो वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी और उसमें ज़ाराकी सबका फेवरेट बन गया था। उसको सिर्फ मजा आना चाहिए, सामने चाहे कितना भी ताकतवर ओपोनेंट क्यों ना हो, वो बिंदास लड़ता है और यही चीज उसे सबसे कूल बनाती है। तो अब गाइस, 9वें नंबर पे है रॉय मस्टैंग फ्रॉम फुल मेटल अल्केमिस्ट सीरीज। इसके बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। शुरू में इसे कुछ इस तरह दिखाया था कि लोग उससे थोड़ा हेट करें, बट बाद में जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ और इसका एटीट्यूड, साथ साथ में लस्ट से वो फाइट, वो जो उसे तड़पा तड़पा कर मारता है, जिसे देखने में सभी को मजा आया था, वहां अगर इसका कोई फैन नहीं हुआ उनके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। इसकी कूलनेस और ऑसमनेस सीरीज में बहुत हद तक बढ़ जाती है, सो इसे इस लिस्ट में ना डालना एक पाप होगा। 無茶をするな、注意。私が片付けると言ったはずだぞ。クソ人間が。憎らしてんじゃ。と8位 नंबर पे हंटर हंटर सीरीज का हिस्सों का। अब आप सोचो कि हंटर हंटर में सबसे बैडेस कौन है और सबसे कैची कैरेक्टर कौन सा है। आई नो बहुत लोग कीलुआ बोलेंगे, बट कमीनेपंती और धोखा देने में अगर कोई है तो वो है हिसोका। ऑथर ने क्या कैरेक्टर बनाया इसका, ऐसा लगता है कि फ्रीजा की औलाद है। हिसोका की सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगती है वो है ताकतवर लोगों से लड़ के मजे करना और जिससे काम निकल गया उसे मार देना, जहाँ फायदा मिले वहाँ ऐड हो जाता है ये। और भी ऐसे बहुत सारी खूबी है उसमें जो इसे सबसे बैडेस कैरेक्टर बनाती है पूरे हंटर हंटर सीरीज में। तो もうこんなもの必要ない、これでもう仲間割れじゃないから遠慮なくやれるだろう。俺はお前と戦えないというより戦うに値しないと言っておくか。俺は奴にジャッジメントチェーンなる鎖を心臓に刺されてもう念能力も全く使えないんだ。सातवें नंबर पे है डीमन स्लेयर का ज़ेनित्सु। इसके कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करूँ, क्योंकि कई लोग इसे काफी चिढ़ाते थे, काफी कमजोर कैरेक्टर समझते थे इसे, इसलिए स्टार्टिंग में इसे ज्यादा किसी ने पसंद नहीं किया। मुझे भी लगा था ये बस एक फन कैरेक्टर है, लेकिन फिर मैंने सोचा उसने उस एग्जाम को पास कैसे किया होगा। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने मांगा पढ़ी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि वेट कर, तू भी इसका फैन बन जाएगा। तब मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब इसकी फर्स्ट फाइट आई और सोते वक्त उसकी पर्सनैलिटी चेंज हुई, आई वॉज लाइक डीमन तो। ज़ेनित्सु की सेकंड पर्सनालिटी का कोई जवाब ही नहीं है, मतलब कुछ मिनट के लिए आती है लेकिन इतना कूल लगती है कि कोई भी फ्लैट हो जाएगा इस कैरेक्टर से। उसका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज चेंज हो जाती है और ये कैरेक्टर मुझे थोड़ा वन पीस के कैवेंडिश जैसा लगता है। जिसने वन पीस देखा है उसे कैवेंडिश तो याद ही होगा, जो ड्रेसरोसा आर्क में आता है। तो गाइस, ज़ेनित्सु भी एक फुल फ्लेज बैडएस कैरेक्टर है जो मुझे बहुत पसंद आया। こいつ、気配が変わった。善逸さん。雷の呼吸、一の型。霹靂一閃。तो 6 नंबर पे माय हीरो एकेडमिया का तोदोरोकी। मुझे नहीं लगता कि तोदोरोकी की बैडनेस मुझे समझाने की जरूरत है। जिसने भी माय हीरो एकेडमिया देखा है वो जानता है कि तोदोरोकी ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ है माय हीरो एकेडमिया में। आफ्टर ऑल ही इज हॉट एंड कूल एट द सेम टाइम। तोदोरोकी के ऐसे कई बैडनेस मोमेंट्स है सीरीज में जिन्हें आप कभी भी देख सकते हो। माय हीरो एकेडमिया सीरीज में मुझे यही सबसे बेस्ट लगता है। तो
このままじゃあんたらじわじわと体が壊死していくわけなんだが、俺もヒーロー志望、そんなひでえことはなるべく避けたい。पांचवें नंबर पे डिटेक्टिव कोनन सीरीज का गिन। इसके जैसा खतरनाक और बैडस कैरेक्टर तो मैंने देखा ही नहीं पूरी सीरीज में। ये कैरेक्टर काफी अनप्रेडिक्टेबल सा है और ये कमीन अपने मेंबर्स सबको मार देता है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर। ये भी अपने मनमर्जी का मालिक है, इसको जो सही लगता है वो वही करता है। और ये बैडस के साथ साथ इतना इंटेलिजेंट है कि हीरो की हर चीज को प्रेडिक्ट करके उसे काउंटर भी कर देता है और कभी भी किसी के ट्रैप में नहीं फंसता। और इसका एक फेमस डायलॉग है कि मैंने जितने भी लोगों को अब तक मारा है, मैं उनका नाम और चेहरा भी याद नहीं रखता। इसकी बैडस मोमेंट की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। सुस्की नो कसरी दे डॉक्टर से इतना गाजी देसियो। वारुई ना वोक्का। बारास्ता यात्स नो काओ तो नामाए वा वास्ले रु कोटो नी शिते रुं दा। ओरे दे। सोनो शिंदा गाही गा बाके ते देता तो दे मो यू। तो अब चौथे नंबर पे लेवी और लीवाई। अटैक ऑन टाइटन सीरीज का लीवाई तो भाई एक अलग ही कैरेक्टर है। बैडस के नाम पर इसने हर फैन के लिए अपने दिल में जगह बना ली है। इसकी पर्सनालिटी और इसका एटीट्यूड देखकर ही लोगों को लगता है कि ये बहुत बैडस है और असल में है भी। लीवाई जैसे बेरहमी से टाइटन्स को शायद ही कोई मारता होगा। लीवाई एक बार भड़क गया तो वो किसी की भी नहीं सुनता, चाहे सामने कितना भी बड़ा टाइटन हो। लेवी को पहले पहले तो कुछ लोग हेट करते थे काफी सीरियस और रूड कैरेक्टर कह के, बट सीरीज के चलते चलते लोगों को समझ में आया कि उसके पास्ट में क्या हुआ था, उसकी इस पर्सनालिटी की वजह क्या है और अब इसे कई लोग पसंद करते। लीवाई का कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है काफी अच्छे से बताया गया और उसके बैडस मोमेंट तो सीरीज में आते ही रहते। तो बिना किसी शक के लीवाई भी वन ऑफ द मोस्ट बैडस कैरेक्टर है। ダメだ、マネアラ、もっと楽しんでくれよ。おい、返事しろよ。失礼なやつだな。तीसरे नंबर पे उचिहा इताची। नारुतो सीरीज का इताची इज लाइक बैडसनेस कूट कूट के भरी है। इताची में इताची वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स में से है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि उसने क्या क्या नहीं किया वो सीरीज के एंड तक। मेरे लिए नारुतो सीरीज का हीरो था ये। उसने अपने भाई के लिए, विलेज के लिए अपने ही माँ बाप को मारा। और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इताची की स्पिन ऑफ मांगा पढ़ी है जिसमें इताची डिटेल में है, तो आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो उसे जरूर पढ़ना। मुझे नहीं पता इसे एनिमे में क्यों नहीं दिखाया गया, आई थिंक ये सबको पता होगा, बट अगर नहीं पता तो जरूर देख लेना। इताची जैसा कैरेक्टर लोगों को पसंद ना आना ये हो ही नहीं सकता। पूरे नारुतो सीरीज में कई लोग मेरे फेवरेट थे, लाइक मिनातो, शिशुई, माइट गाय, लेकिन इताची कम्स ऑन टॉप। हितो वा दारे मुगा ओनोरे नो चिशिकी या निशिकी नी तायोरी शिबारारे इकिते इरु। सोरे वो गेंजित्सु तो यू ना दे योंदे ना। शिकाशी चिशिकी या निशिकी तो वा आइमाई ना मोनो दा। सोनो गेंजित्सु वा माबोरोशी कामो शिरेनाई।人は皆思い込みの中で生きている。そうは考えられないか。दूसरे नंबर पे है लायन सिन ऑफ प्राइड। जी हाँ, एस्कनोर। मैंने इस लिस्ट में बैडस लोगों पे फोकस किया, ना कि बस ओवर पावर्ड। लेकिन ये ओवर पावर्ड होने के साथ साथ बैडस भी है, जिसकी वजह है उसका प्राइड। जब भी कोई उसे कुछ कहता है लाइक अब तुम गए, मैं जीत गया एक्सेट्रा, तब एस्कनोर बस एक ही चीज कहता है, हु डिसाइडेड दैट। मीन सिर्फ ये तय कर सकता है कि क्या होगा और क्या नहीं, सब कुछ इसके हिसाब से होगा। और मुझे कोई ऐसा एनिमे याद नहीं आ रहा फिलहाल जिसमें इस तरह से किसी ओपी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया हो, जहाँ सब उसके स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करते। और मेलियोडास, इस सीरीज का मेन प्रोटैगोनिस्ट, भी एडमिट करता है कि एस्कनोर उससे ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे ये बात डिबेटेबल है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, मेलियोडास विद डीमन पावर एट नाइट या फिर एस्कनोर इन डे। लेकिन एस्कनोर जब भी इवॉल्व होता है ये पक्का हो जाता है कि आपको स्क्रीन में कुछ जॉ ड्रॉपिंग बैडएस सीन्स देखने मिलेगी।我の攻撃が通用しない、我が決めた、我の太陽を飲み込んだ、誰が決めた、決めるのは我だ、死ね。
पहले नंबर पे वन पीस सीरीज का रोरोनोवा जोरो। अब इसके बारे में कौन नहीं जानता, थ्री स्वॉर्ड स्टाइल ग्रीन हेयर मारिमो, इसे तो कोई भी देख कर ही पहचान लेगा। पूरे स्ट्रॉ हैट्स क्रू में से जोरो के जितना बैडस कोई नहीं होगा। जोरो वन पीस में मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है। जोरो को फर्स्ट में रखने का कारण ये है कि वन पीस के हर आर्क में जोरो एक अलग ही लेवल अचीव कर लेता है इन कैरेक्टर डेवलपमेंट। वो आगे बढ़ता ही जाता है और उसका सबसे बेहतर स्वॉर्ड्समैन बनना है। मुझे सबसे बैडस चीज जो जोरो की लगती है वो है जब कुमा लूफी का सारा दर्द जोरो में डाल देता है और जोरो वही का वही दर्द में खड़ा रहता है। और जब सांजी उससे पूछता है कि कुछ हुआ क्या, तब जोरो कहता है वो सीन देखकर जोरो मेरे लिए सबसे टॉप पर आ गया इन बैडस कैरेक्टर्स। साई नंते मुआ ततमी काकेरु योनी त्सुजुकु नो गा यो नो त्सुने दा इयाके शितारा दोनाता का तस्केते कुरेन नो गा। सो गाइस अब आज के लिए इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये लिस्ट बेसिकली सपोर्टिंग कैरेक्टर्स पे थी जो बैडस है, ना कि प्रोटैगोनिस्ट या बैडस और ओवरपावर्ड विलन पे। वरना मदारा, जिरेन, वेजिटा और भी कई लोग आते। आपके लिए सबसे बैडस कौन है ये कमेंट जरूर करना। शुक्रिया। World of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.